केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। दो बड़ी रेल परियोजनावा ने मिली मंजूरी। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप ने बढ़ावो देवा खातर एवेंचर कैपिटल फंड की स्थापना ने करियो गयो मंजूर। प्रदेश में 13 नवंबर ने होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस सगली 7 सीटा माथे प्रत्याशी करिया घोषित। भाजपा दूसरी सूची करी जारी। 84 सू कारीलाल ननोमा ने बनायो प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव खातर नामांकन दाखिल करवारो दौर जारी। झुंझुनू अलवर और दौसा में प्रत्याशी नामांकन करिया दाखिल। मुख्यमंत्री अलवर में जनसभा ने करिया संबोधित। जयपुर में आज सु 2 दिवसीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन रो हुयो शुभारंभ। कम्युनिटी रेडियो रा क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां ने लेर विशेषज्ञ कर रिया है चर्चा। और राइजिंग राजस्थान ने तहत जयपुर और बूंदी में इन्वेस्टर मीट रो करियो गयो आयोजन। कई क्षेत्र सु संबंधित एमओयू माथे हुआ हस्ताक्षर। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास और अब खबरा विगतवार। केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फैसला री जानकारी देवता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि अमरावती रेलवे लाइन ने मंजूरी दी गई है। इनके साथ ही कृष्णा नदी माथे 3.2 किलोमीटर लंबो नोवा रेलवे पुल ने भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप ने बढ़ावो देवा खातर 1000 करोड़ रुपया वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना ने भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सारे इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एक के बाद एक बड़े बदलाव आए हैं और अच्छी ग्रोथ हुई है और एक अच्छा समावेशी विकास हुआ है। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2,245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ एंड इट विल बी वन ऑफ द मेजर ब्रिजेस ऑफ इंडियन रेलवेज। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar गुजरात के कैपिटल नया जब बना, दैट टाइम फॉर द 40 ईयर्स देर वॉज नो रेलवे कनेक्टिविटी टू इट। दैट वॉज द वे आर कंट्री वॉज फंक्शनिंग इन द पीरियड बिफोर 2014। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एज द सिटी इज गेटिंग डेवलप्ड। साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया, यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा। प्रदेश में 13 नवंबर ने होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस सगली 7 सीटा माते प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा आज दूसरी सूची जारी करी है, जिनमें 84 सू कारीलाल ननोमा ने प्रत्याशी बनायो है। वटे ही कांग्रेस झुंझुनू सू वर्तमान सांसद ब्रिजेंद्र ओला रा बेटा अमित ओला ने और रामगढ़ सीट सू आर्यन जुबेर ने टिकट दियो है। दौसा सु दीनदयाल बेरवा, देवली उनियारा सु कस्तूर चंद मीणा, खीमसर सु रतन चौधरी ने प्रत्याशी बनायो गयो है। वटे ही 84 सु महेश रोत और सलुम्बर सु रेशमा मीणा ने चुनाव मैदान में उतारियो कियो है। भरोसा जताया है उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ। हमारे 84 में जो
युवा भटका हुआ है, बेरोजगार है, विकास से अछूता है, कहीं ना कहीं उससे मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। अलवर माए भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह आज आपरो नामांकन दाखिल करियो। उनका समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नामांकन रैली ने संबोधित करिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सांसद बाबा बालकनाथ मौजूद रिया। रैली ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के सरकार री मंशा प्रदेश ने विकास रा एक नुआ आयाम माथे पुगावनो है। लेकिन हम इतना जरूर है कि हमारी नदी से नदी जोड़ करके ईआरसीपी और यमुना समझौता से पानी ला करके हमारे जो किसान, हमारा मजदूर, जो हमारा किसान और मजदूर भाई है, वो जमीन का सीना चीर करके जो धान उगाता है, हमें विश्वास है कि जब हमें ये पानी मिलेगा तो हमारा किसान इस धरती से सोना निकालने का काम जरूर करेगा। मेरे भाइयों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, यह हमें विश्वास है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हमने आपसे कहा था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। दौसा में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा आज आपरो नामांकन पत्र दाखिल करिया। इन दौरान पेलीरा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी, विधायक भागचंद टाकड़ा, रामविलास मीणा समेत दूजा लोग मौजूद रिया। इन मौके जगमोहन मीणा कया कि दोसारो सर्वांगीण विकास उनारी प्राथमिकता है। रहेगा कि यहाँ पानी लाया जाए, और आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ईआरसीपी को स्वीकृत कर दिया है, एमओयू हो गया है, और उसका जल्दी ही काम प्रारंभ होने वाला है। तो पानी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, ये एजुकेशन के मामले में बच्चे इतनी दूरस्थ गांव से या तो जयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे, सीकर जाएंगे, तो क्यों नहीं यहाँ एजुकेशन का हब बनाया जाए, एक अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे कोचिंग और अच्छी लाइब्रेरी प्रारंभ की जाए ताकि बच्चों को ढंग का एजुकेशन मिल सके। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पहले 5 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, तो जो दौसा जैसी जगह पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। सामाजिक सौहार्दता बनी रहनी चाहिए। कार्यकर्ता के नाते देख दिया जो समर्पित है, निष्ठावान सेवा करते हैं। 10 साल पहले आईएएस बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने समझा कि वो चुनाव की राजनीति के जरिए जनता की सेवा करनी है। 10 साल बाद उन्होंने मौका दिया, पिछला लोकसभा में माना था, उससे पहले उचित समय पर पानी की पूरी किया। झुंझुनू माए होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला आपरो नामांकन दाखिल करिया। इन मौके झुंझुनू सभापति नगमा बानो और सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार मौजूद रिया। वटे ही निर्दलीय प्रत्याशी रा रूप माए पेलीरा मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी आपरो पर्चो भरिया। नामांकन दाखिल करबारे पाछे मीडिया सु रूबरू होता थका दोन्यू प्रत्याशी कया कि झुंझुनू रो विकास उनारी प्राथमिकता रहेली। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है और इस झुंझुनू के उपचुनाव में, और जिस प्रकार हम जनरल इलेक्शन में जीते थे इसी प्रकार हम उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी दोबारा विजयी हो। मुख्य मुद्दा तो है जो झुंझुनू का निरंतर विकास है, उसमें कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, और झुंझुनू का जो सुख शांति है वो बनी रहे, इसमें कोई सौहार्द ना बिगाड़ा जाए, किसी प्रकार की इस तरह की सभी कोशिशों को नकारना है। मैंने नामांकन भर दिया है और झुंझुनू जिले को, जिले ने लंबे टाइम तक भाजपा और कांग्रेस के लोगों को मौका दिया। जिले की हमारे झुंझुनू विधानसभा की कायाकल्प कर देंगे, लोगों के बीच में जो दलाली पड़ता है, जो बीच के अंदर ठेकेदार बना रखे हैं उनको हटाएंगे, और 36 कौम के घरों के अंदर खुशहाली लाएंगे। राज की पावर 36 वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम तक जाए, सभी को घरों के अंदर, ये किसी एक एक परिवार या एक समाज तक ये केंद्रित नहीं रहे। दूजी कानी भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू भी आपरो नामांकन पत्र दाखिल करिया। इनसु पहले उनका समर्थन माए जनसभा राखी की, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रिया। नामांकन दाखिल करबारे पाछे मीडिया सु बातचीत करता थका 13 तारीख नवंबर को होने जा रहे हैं
उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जुर्मी विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए आज नामांकन दाखिल किया है हम लोगों ने। उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा, केंद्र से मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी राठौड़ यहाँ शिरकत दी और एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक सभा को उन्होंने संबोधित किया और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। जिन्हों की जनता ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यहाँ भाजपा का कमल हम खिला देंगे, इस बात का विश्वास देते हैं। प्रदेश में आए होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर कांग्रेस दोसा सू दीनदयाल बेरवा ने प्रत्याशी बनायो है। बेरवा दोसा पंचायत समिति रा प्रधान रह चुकया है। दोसा में दीनदयाल बेरवा रे सामे भाजपा रा जगमोहन मीणा ने टिकट दियो गयो है, जिनरे पाछे दोसा रो मुकाबलो रोचक वे गयो है। ट्रांसफर हो गए, फिर दो घंटे बाद में पर्ची आगे कैंसिल करो, ये तो पर्ची की सरकार है, ट्रांसफर होते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई चुनाव का कोई बड़ा कोई इन्होंने कोई कोशिश करी होगी। अगर अपना ऐसा करते हैं अपन चुनाव जीते, लेकिन ये पैतरे काम नहीं आएंगे। जनता मेरे साथ में, युवा साथी मेरे साथ में है, हर वर्ग मेरे साथ में है, हम चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे जनता के। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली रा संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन रो आज जयपुर में शुभारंभ हुयो। दो दिवसीय सम्मेलन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान रा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रा संचालक हिस्सों ले रिया है। सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र ने भारतीय जनसंचार संस्थान रा अपर महानिदेशक डॉ निमिष रुष्तगी, सूचना प्रसारण मंत्रालय रा एडिशनल डायरेक्टर गौरीशंकर केसरवानी और प्रोफेसर संगीता प्रवेंद्र संबोधित करिया। इन दौरान कई सत्रा रे जरिए कम्युनिटी रेडियो में वर्तमान चुनौतियां ने लेर विशेषज्ञ विचार व्यक्त करिया। जैसा आपने देखा, आज सुबह हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था और इसमें ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए भारत का जो चार राज्य हैं वहाँ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के सदस्य यहाँ पर आए, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात था और राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो जो हमने सुबह से देखा, बहुत ही चर्चा हुई बहुत से विषयों पर और उसका उद्देश्य ये था कि जो भी समस्याएं हैं इस सेक्टर की, उनको यहाँ पे जो अधिकारी भी आए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, उन्होंने भी उस पर बातचीत करी और लोगों ने खुलकर चर्चा करी। तो उद्देश्य तो यही था आज की पूरी चर्चा का कि किस तरह से इस सेक्टर को हम आगे लेके जाएं, क्योंकि जो सामुदायिक रेडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करता है, खासकर गाँव में, देहात में और छोटी कम्युनिटीज़ में जहाँ पे भारत बसता है। देखिए, ऐसा है, ये कम्युनिटी रेडियो का सम्मेलन है जो कि जयपुर में आयोजित हुआ है। इसमें जितनी भी वेस्ट स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, इनके जितने भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सबका सम्मेलन है, जिसमें कि कम्युनिटी रेडियो सेक्टर के बारे में ये लोग आपस में अपने अनुभवों को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनकी जो समस्याएं हैं उसको मंत्रालय को आभास हो जाएगा, जिससे कि उसके तहत काम किया जा सके। आपको बताना चाहूँगा, पूरे देश में करीब 513 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑपरेशन है, जिसमें से कि एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में वेस्ट जोन में है। इस समय 145 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक कम्युनिटी रेडियो, आप सोच रहे हो कि क्या होता है, इनफैक्ट ये कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाने वाला रेडियो है। राइजिंग राजस्थान के तहत आज जयपुर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्री समिट रखियो गयो। कार्यक्रम में 20,000 करोड़ रुपया रा एमओयू माते हस्ताक्षर करया गया। इन दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, राज्य किसान आयोग रा अध्यक्ष सी आर चौधरी, पशुपालन विभाग रा सचिव समित शर्मा और कृषि और उद्यानिकी विभाग रा शासन सचिव राजन विशाल मौजूद रिया। इन मौके सी आर चौधरी कया के इन एमओयू सू प्रदेश में किसान री उन्नति हो सकेली। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो राइजिंग राजस्थान है के लिए ग्लोबल समिट दिसंबर के सेकेंड वीक में होने जा रही है, उसकी आज एक प्री समिट थी, जिसमें कृषि विभाग और उनके सहायक जो है सभी विभागों ने मिलकर के एक आयोजन किया है। और आप सही बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पे आज एमओयू हुए हैं,
जिसमें 693 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हम आशा करते हैं कि जो आने वाली समिट ग्लोबल समिट जो 9-10-11 दिसंबर को होगी, उसमें और ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। ज़्यादातर जैसे एग्री टेक है, एग्री केमिकल्स हैं, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जो नए इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर है, ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैकेनिक्स हैं, तो ये जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं बड़ा हर्ष का विषय है कि उसमें भी हमें काफ़ी MOUs प्राप्त हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो राज्य सरकार और भारत सरकार का मानस है किसानों की आय को दोगुना करने का, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम उच्च तकनीक को फार्मिंग में लेके आएंगे। और उच्च तकनीक कैसे आएगी? जब इसमें निवेश आएगा, कैपिटल आएगी, नई तकनीक आएगी, नई इनोवेशन आएगी। बूंदी में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट रो आयोजन करियो गयो, जिनमें करीब 4,000 करोड़ रुपये MOU माते हस्ताक्षर कराया गया। कार्यक्रम में बूंदी रा विधायक हरिमोहन शर्मा, प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा समेत उद्योगपति मौजूद रहा। राइजिंग राजस्थान के तहत जो बूंदी में इन्वेस्टर्स मीट हुई, ये एक अच्छा प्रयास है, राजस्थान के विकास को गति देने वाला है और एक वातावरण बनाने वाला है कि जिसे राजस्थान में को कैसे विकसित बनाया जाए। हर सरकार का एक कर्तव्य है कि राजस्थान को विकसित करने के लिए अपनी एक नई योजनाएं बनाए। पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने भी इन्वेस्टर्स मीट का बहुत बड़ा आयोजन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे वातावरण बनेगा, आगे आने वाले समय में बूंदी में उद्योग भी विकसित होंगे, टूरिज्म भी विकसित होगा। बूंदी जिले का जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, 4,000 करोड़ से ऊपर के यहाँ MOU साइन हुए हैं, उसमें लगभग 9,000 लोगों को रोज़गार मिलने का वादा किया है। कलेक्टर साहब ने सभी से वादा किया है कि भाई हम जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं इसमें करेंगे वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे, और इन्वेस्टर्स को कोई किसी तरह का चक्कर नहीं काटना पड़े, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली हम डिस्ट्रिक्ट में काम कराएंगे। ये आज हमने बात की, जब हम कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाए उसका ग्रोथ इंजन इंडस्ट्री होता है, और इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे हमारे स्टेट में लाएँ, हमारे बूंदी ज़िले में लाएँ, तो मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान एक अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट बने, उसी लिए ये राइजिंग राजस्थान किया जा रहा है। राजस्थान के लिए इन्वेस्टर मीट जो राइजिंग राजस्थान सभी ज़िलों में की जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट समिट है, और हमारे 4 जिलों के अंदर MOUs हुए हैं। बूंदी क्योंकि मेरा पैतृक ज़िला है, इसलिए यहाँ पे निवेश का अपॉर्चुनिटी में काफ़ी समय से देख रहा था, और अभी हमने 300 करोड़ प्लस का MOU सरकार के साथ साइन किया है। बूंदी ज़िले के लिए निवेश की रकम हमारे पास हमने सुरक्षित की है, और ज़मीन के लिए जो कार्रवाई है वो चल रही है, लगता है कि जल्दी काम हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इन बरस आपरा परिचालन रा 90 बरस रो जश्न मना रियो है। इनके तहत RBI 890 क्विज लॉन्च करियो है, जो सगड़ा स्नातक छात्र खातर सामान्य ज्ञान माथे आधारित प्रतियोगी परीक्षा है। इन्हीं कड़ी में राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता जयपुर में राखी गई, जिनमें प्रदेश का कई कॉलेजा री 79 टीम हिस्सो लियो है। इनमें पहली ठोर माथे IIT जोधपुरी टीम री, जिनने 2,00,000 रुपया रो पुरस्कार दियो कियो। RBI रा उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल बताया कि विजेता टीम 3 दिसंबर ने इंदौर में आयोजित होने वाला जोनल राउंड में राजस्थान रो प्रतिनिधित्व करेली। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मना रहा है, और इस उपलक्ष्य पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि हम देश के जनमानस के साथ जुड़ सकें, अपने कार्यों को जनता तक पहुंचा सकें। इसके अलावा इस 90 इयर्स की जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट किया जा सके, और उसी क्रम में आज का ये प्रयास है जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सीखो खेलो जीतो इस उद्देश्य के साथ, इस थीम के साथ RBI 890 क्विज़ का आयोजन किया जा रहा है। इसका पहला राउंड ऑनलाइन राउंड था जिसमें राज्य भर की टीमों ने पार्टिसिपेट किया, हर टीम के 2 सदस्य थे, और उसमें से टॉप 90 टीम्स ने आज ये स्टेट लेवल राउंड में फिजिकल पार्टिसिपेशन किया है। यहाँ की टॉप 6 जो टीम्स थी उन्होंने ऑन स्टेज राउंड में पार्टिसिपेट किया, और इसके बाद
जो यहाँ की जो विजेता टीम है NLU जोधपुर की जो टीम है वो आगे के लिए जोनल राउंड के लिए 3 दिसंबर को इंदौर में पार्टिसिपेट करेंगे। बारा जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर रा निर्देश माथे कलेक्ट्रेट टीम आज सरकारी कार्यालय रो निरीक्षण करिया। इन दौरान टीम रजिस्टर जब्त करने नदारद मिलिया अधिकारियां और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करी। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर बताया कि अनुपस्थित मिलिया अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जावेली। जिला परिषद मिनी सचिवालय में जो अन्य विभाग चल रहे हैं वो सारे थे, जैसे कि माइनिंग, लेबर, रोजगार और साथ में जो हमारे हॉर्टिकल्चर का जो ऑफिस है उस पर हमारे अधिकारियों ने जाकर के सुबह निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण में पाया गया कि करीबन 40-50% जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ऑफिस में उस समय तक नहीं पहुँचे थे। उन सभी के एबसेंट मार्क कर दी गई है, उनको सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको हम लोग एक नोटिस इशू कर करके उनसे जवाब लेंगे और जवाब उनका किस तरह का पाया जाएगा उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करी जाएगी। इसमें उनकी जो CL है वो मार्क करी जा सकती है, उनकी छुट्टी मार्क करी जा सकती है या फिर उनको CCA के तहत चार्जशीट भी दी जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमारी मंशा सिर्फ ये है कि जैसे कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑफिसेज में सब लोग अपने टाइम से आएँ, जन सुनवाई करें और आम जन को जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो हमारे जो स्कीम्स हैं उनका लाभ अच्छे तरीके से समयबद्ध तरीके में दिया जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ कानिसु रेलवे माए ट्रेड यूनियन की मान्यता खातर आने वाली 4-6 दिसंबर ने होने वाला चुनाव खातर हजारों कर्मचारियों की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी रे समक्ष संघ रा महामंत्री विनय कुमार झा कानिसु नामांकन पत्र दाखिल करियो गयो। इन मौके ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बेरवा उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ ने यूनियन मान्यता दिलावारी अपील करी। पूरे भारतीय रेलों पर जो रेलवे ट्रेड यूनियंस हैं उनको मान्यता देने के लिए 4, 5 और 6 दिसंबर को मतदान आयोजित किया जाना है, उसको लेकर के आज हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का नामांकन का कार्यक्रम था। रेलवे के अंदर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए सीक्रेट बैलेट होने जा रहा है और ये पिछली बार 2 बार हो चुका है, कोरोना की वजह से ये डिले हुआ और 2012 के बाद में अभी ये हो रहा है। तो हमारी जो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उसका ये इतिहास रहा है कि इसने जिस भी संगठन को समर्थन दिया उसको मान्यता मिली है। हमने पिछले 2 चुनावों के अंदर अलग अलग संगठनों को अलग अलग जगह पर समर्थन दे करके और उनसे जो अपेक्षा की थी उन अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौड़ा ठिकाणा माथे छापामारी करी। आज सुबत्ती संपत्ति की सूचना माथे कार्रवाई करता थका SCB की टीम उदयपुर और राजसमंद में जयमल सिंह राठौड़ा न्यारा न्यारा भूखंड मकान और होटल माथे कार्रवाई करता थका आवश्यक दस्तावेज जब्त करिया। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वरदान साबित हो रही है। इन योजना के तहत एक निजी अस्पताल में 6 मारा टाबर रा दिल में छेद रो सफल ऑपरेशन करियो गयो। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चित्रेश चाहर बताया कि बिना चीरा लगाए ऑपरेशन करियो गयो है। योजना के तहत 80,000 रुपया रो कैशलेस इलाज भी करियो गयो है। तो 6 महीने का बच्चा हमारे पास आया था, उसको बार बार फेफड़ों का इन्फेक्शन लग रहा था, तो उसकी हमने जांच करी। इको में तो एक एबनॉर्मल नली होती है जो पेट में, माँ के पेट में बच्चे के अंत में बंद हो जाती है। तो वो कुछ बच्चों में जिनका जल्दी बर्थ हो जाता है उनमें वो बंद नहीं हो पाती, तो वो नलकी इनके पड़ी रह गई थी, 6 महीने तक बंद नहीं हो रही थी, उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। उसको हमने एक जाली के द्वारा बंद किया है जो कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में किया है। कोई चार्ज नहीं लिया गया है और पेशेंट स्वस्थ है, कोई चीरा नहीं लगा। नेक्स्ट डे छुट्टी का हम आज तैयारी कर रहे हैं। बच्ची के दिल में थोड़ा छेद था और उसके लिए हमने प्रयास किया, तो हनुमानगढ़ का हमारा एड्रेस है, देखो 80-90 हज़ार रुपया तो लग ही जाता सर, बीच में हमारा कोई पैसा नहीं लगा है। भीलवाड़ा रा माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज रा रसायन विभाग माए शोधार्थी पेड़ और पौधारी पत्तिया रा अर्घ सु नैनो कण तैयार कर रिया है। इन कणा रे जरिए वायरल, फंगल और बैक्टीरियल बीमारियों रो इलाज संभव हो रियो है। रसायन विभाग रा सहायक आचार्य डॉक्टर सौरभ सिंह बताया कि इन माथे और बत्तो शोध करियो जा रियो है।
जी मैम, तीन मोटो पर काम करता है। पहला है आवश्यकता, आवश्यकता क्योंकि आविष्कार के जननी हम मानते आए हैं, तो हमारी आवश्यकता अभी क्योंकि रिसर्च और शोधार्थी के रूप में, शोध के रूप में कार्य करना है, क्योंकि हमारा सारा काम जो है नैनो कणों का निर्माण के रिलेटेड है, और नैनो कणों का निर्माण हम रसायन के यूज से नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई प्लांट ऐसा खोदे जिसमें कि वो केमिकल या इस तरह केमिकल हो या इस तरह की पीएच उसकी हो जो कि नैनो पार्टिकल को लैब में ही सिंथेसाइज कर सके। तो हमने उस बायोजेनिक सॉल्वेंट जैसे बोल सकते हैं प्लांट के अर्क या पादप का अर्क से ही हमने उस नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज किया। नैनो पार्टिकल वो है कि जो साइज की छोटी होती है कि वो उसका सरफेस एरिया हमें बन जाता है। तो वो प्लांट्स हम कलेक्ट करेंगे, उन्हें ड्राई करके और उन्हीं का सोचलेट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के द्वारा हम उनसे फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर फाइटोकेमिकल जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट होगा उस फाइटोकेमिकल का हम फाइटोकेमिकल एनालिसिस करेंगे, और उसके आधार पर जो हमें फाइटोकेमिकल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर हम उनकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज करवाएंगे ताकि वो फर्दर आगे मेडिसिन के रूप में उपयोग में ली जा सके। खेरथल रतिजारा में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंग वाहेडारी टीम शानदार प्रदर्शन करता थका 32 मेडल जीतिया है, जिनमें 8 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। इनके साथ ही विद्यालय 19 साल आयु वर्ग में जिला चैंपियन रेबा के साथ साथ ही 17 साल आयु वर्ग में उप विजेता रियो है। विद्यालय की टीम 8 खिलाड़ियों रो राज्य स्तर माथे भी चुनाव हुयो है। परिणाम इन बच्चों ने दिया, राज्य स्तर पर 38 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, इनमें से खेल प्रतियोगिताओं में शतरंज में 5 बच्चों का चयन हुआ और बैडमिंटन में 1 बच्चे का चयन हुआ राज्य स्तर पर। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 8 बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 16 बच्चों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया और 8 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इस सत्र में हमारे विद्यालय में 650 बालक बालिकाओं का नामांकन है। यह विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित होता है और CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम में चलता है। इस साल का सत्र का जो हमारा खेल का जो रिजल्ट रहा, सबसे फर्स्ट चरण में हमारे जो शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई उनमें हमारे 5 बच्चों का सिलेक्शन स्टेट के लिए हुआ जो कोटा खेल के आए थे। इसके बाद बैडमिंटन में हमारे 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ जो झालावाड़ खेलने गया था। चतुर्थ चरण के अंदर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें जिला स्तर पर हमारी टीम विजेता रही और 17 वर्ष में हमारी टीम उप विजेता रही और कुल मिला के हमारी टीम ने 8 गोल्ड, 16 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। स्कूल में अब की 8 गोल्ड, 16 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मैं हमारे स्कूल चैंपियन रही है। जिला स्तर पे हमने काफ़ी मुकाम हासिल किया है एथलेटिक टीम में और हमारे स्कूल के 8 बच्चों का स्टेट के लिए चयन हुआ है और इसके लिए हमने PTI सर के 3 महीने से PTI सर के अंडर में प्रैक्टिस की है। PTI सर ने बिल्कुल हमारा पूरे दिल से, तन से, मन से पूरा सपोर्ट किया है, इसी वजह से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना जीत पाए हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला, 2 बड़ी रेलवे परियोजनाओं ने मिली मंजूरी, अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप ने बढ़ावा देवा खातर एवेंचर कैपिटल फंड की स्थापना ने करी हुई मंजूर। प्रदेश में 13 नवंबर ने होने वाला विधानसभा उपचुनाव खातर भाजपा और कांग्रेस सगली 7 सीटा माथे प्रत्याशी करिया घोषित, भाजपा दूसरी सूची करी जारी, 84 सू कारीलाल ननोमा ने बनायो प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव खातर नामांकन दाखिल करवारो दौर जारी, झुंझुनू, अलवर और दौसा में प्रत्याशी नामांकन करिया दाखिल, मुख्यमंत्री अलवर में जनसभा ने करिया संबोधित। जयपुर में आज सु 2 दिवसीय कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन रो कियो शुभारंभ, कम्युनिटी रेडियो रा खेतर में वर्तमान चुनौतियां ने लेर विशेषज्ञ कर लिया है चर्चा।
और राइजिंग राजस्थान रहते हैं जयपुर और बूंदी में इन्वेस्टर मीट रो करियो भी आयोजन कई क्षेत्र से संबंधित एमओयू माध्यम किया हस्ताक्षर। राजस्थानी खबर और बुलेटिन अठे पूरा हो आप देखते रहिए जो डीडी राजस्थान। नमस्कार।